Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज DBMS की क्लास हम लोग क्लास 36 करेंगे, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने क्लास 35 कर लिया है. 36 में आज हमें एक क्वेश्चन कराऊंगी और ट्रंकेट ऑफ अ टेबल का बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, तो ट्रंकेट ऑफ अ टेबल क्या होता है वो समझाऊंगी. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. दैट इज अ गिवन, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूं उसके बाद सॉल्यूशन करा दूंगी आपको. गिवन द रिलेशन स्कीमा दैट इज आर ए बी सी दैट इज अगेन कॉमा, ये आर है एंड एस ए डी ई एफ आपके पास, ठीक है? एंड द रिलेशन इंस्टेंट, एक रिलेशन इंस्टेंट पे क्या है कि स्मॉल आर इज आर ऑफ द रिलेशन एंड एस इज कैपिटल एस ऑफ द रिलेशन. गिव एन एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में एक्सप्रेशन बताना है आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज जो आगे क्वेश्चन में बोली गई है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका पाई ए दैट इज इन ब्रैकेट, तो पाई ए आपको सिलेक्ट करना है. तो इसमें आपका क्वेरी एसक्यूएल में क्या बनेगा, दैट इज अ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम क्यू आर, सॉरी, ठीक है? तो आप डिस्टिंक्ट ए को सिलेक्ट करोगे बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट ए एंड फ्रॉम कहाँ से, आर से, ठीक है? यही आपका क्वेरी बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज सिग्मा बी इक्वल्स टू 17 आर, तो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आपका ये साइन लगेगा फ्रॉम आर दैट इज सेमी कॉलन वे बी इक्वल्स टू 17 बिकॉज बी इसके इक्वल है 17 के. उसके बाद आपका नेक्स्ट है दैट इज आर मल्टीप्लाई एस, आर मल्टीप्लाई एस क्या होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एब्स्ट्रैक्ट दैट इज मल्टीप्लीकेशन साइन फ्रॉम आर कॉमा एस, भाई आर और कॉमा एस से ही लेंगे. अभी यहाँ तक आर से ले रहे थे बिकॉज आर के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें भी आर से लिया बिकॉज आर के बारे में बात किया जा रहा था, बट इसमें हम लोग ने आर एस दोनों से लिया है बिकॉज आर क्रॉस एस है. उसके बाद आते हैं हम अपना पाए ए कॉमा एफ दैट इज अ सिग्मा सी इक्वल्स टू डी एंड आर कॉमा आर मल्टीप्लाई एस, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए, ये तो वैसे ही रहेगा ए कॉमा एफ क्योंकि ए कॉमा एफ से लिया गया है हमारा, सेमी कोलन फ्रॉम आर एन एस, क्लियर कहाँ जाएगा फ्रॉम आर एन एस ए कॉमा एफ, ये आपका डिस्टिंक्ट है. और वेयर सी इक्वल्स टू डी, जो कि यहाँ पे सी इक्वल्स टू डी दिया हुआ है तो सी इक्वल्स टू डी होगा, सेमी कोलन सब में लगेगा क्योंकि अदरवाइज क्वेरी फिर आपकी जनरेट नहीं होगी. उसके बाद जो मैंने बोला कि मैं ट्रंकेट ऑफ अ टेबल बताऊंगी, तो ट्रंकेट ऑफ अ टेबल क्या होता है बेटा, देखो कि ट्रंकेटिंग अ टेबल इज टू रिमूविंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, रिमूविंग ऑल द रिकॉर्ड जितना भी रिमूव होता है वो रिमूव, मैंने बताया था आपको ट्रंकेटिंग का मतलब होता है डिलीट, इन शॉर्ट यू कैन से कि दैट इज रिमूविंग ऑल द टेबल ऑल द डेटा ऑफ फ्रॉम द टेबल या ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टेज इंटैक्ट, जो टेबल होता है स्ट्रक्चर का वो इंटैक्ट ही रहता है. द एसक्यूएल लैंग्वेज हैज डिलीट स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू रिमूव वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल, तो डिलीट ऑप्शन होता है उसमें आप एक के इस रो या एक से ज़्यादा रो डिलीट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेबल पर. मान लो एक ये टेबल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टेबल, ओके दिस इज योर टेबल, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से आपको अगर ये वाला रो डिलीट करना है, ये वाला रो, तो आप ये भी डिलीट कर सकते हो, इससे ज़्यादा रोज भी अगर आपको डिलीट करने तो आप तब भी डिलीट कर सकते हो बाय यूजिंग अ ट्रंकेट ऑफ अ टेबल, ठीक है? तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.